पंचमहाल जिल्लाना गोधरा निरंकारी सत्संग भवन मा निरंकारी भक्तोए कोरोना काल मा उत्साहपूर्वक रक्तदान करी एक अनोखू सेवानु कार्य कर्यु हतु। सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज ना आशीर्वाद थी आज रोज गोधरा निरंकारी सत्संग भवन मा रक्तदान शिबिर नु आयोजन करवामां आव्यु हतु, जेमा कोविड 19 ना प्रोटोकॉल हेठळ सोशल डिस्टन्स साथे सावधानीओ राखता निरंकारी भक्तोए रक्तदान कर्यु हतु, जेनु उद्घाटन दाहोद झोन ना झोनल इन्चार्ज श्रीमान भूपेन्द्रभाई गढ़रियाजी ना कर कमलो द्वारा करवामां आव्यु हतु। कोरोना वायरस ना काल माथी दरेक व्यक्ति भयभीत छे, तेथी ज ब्लड बैंक मा रक्तनी उणप सर्जाई रही छे। आवामां डॉक्टरोनी मांग पर संत निरंकारी मिशन आगळ आव्यु हतु। दाहोद झोन ना झोनल इन्चार्ज भूपेन्द्रभाई जणाव्यु के संत निरंकारी चेरिटेबल फाउंडेशन द्वारा समग्र विश्वमां 1986 थी 2020 सुधीमां 6365 થી વધુ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરી 11,36,560 થી વધુ યુનિટ રક્ત એકત્ર કરી 3,00,000 થી વધુ માનવ જીવન ઉગારેલ છે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોરોના કાળમાં પણ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કુલ 150 થી વધુ યુનિટ રક્ત માનવતાના હિતમાં સમર્પિત કરવામાં આવ્યું છે। અંતમાં ગોધરા બ્રાન્ચના સંયોજક શ્રીમતી વિદ્યાદેવીએ આપેલ તમામ ધર્મપ્રેમીઓ અને રક્તદાતાઓનો આભાર માન્યો હતો। આપ દેખ રહે હો કે સેંકડો રક્તદાતા ખુશી ખુશી રક્તદાન ગુરુ કે એક આદેશ કો પાકે કર રહે હૈ। 24 અપ્રેલ 1980 કો જબ બાબા ગુરબચન સિંહજી મહારાજ કી કુછ અપ્રિય તત્વોને શહાદત કર દી, તબ નિરંકારી જગત રોષ મેં થા। બાબાજી કો કે राह देख रहा था कि बाबा ये छुट्टी दे तो हम खून का बदला कौन से लें। जब बाबा जी ने 27 अप्रैल अपना श्रीमुख खोला तो कहा कि हम अदले बदले की भावना में विश्वास नहीं करते, क्योंकि अदले बदले में कभी किसी का भला नहीं हुआ। हम खून का बदला खून से लेंगे और रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहाकर हम ये बदला लेंगे। और 1986 से ये रक्तदान का सिलसिला शुरू हुआ है। कितने कितने लाखों यूनिट निरंकारी मिशन दान कर चुका है और हर साल ये रक्तदान होता है और गुरु के एक आदेश को पाकर ये रक्तदान रक्तदाता रक्तदान करते हैं। निरंकार जी, आज 27 दिसंबर 2020 सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश अनुसार दाहोद जोन के इस गोधरा ब्रांच के अंदर इंसानियत को जिंदा रखने के लिए मानव को उपयोगी होए इस उद्देश्य को लेकर के ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ पर हमने देखा संत महात्मा उमड़ उमड़ करके आज के इस कोविड 19 के तहत चल रही महामारी के अंतर्गत भी उत्साह के साथ उपस्थित हुए हैं। मगर हमें जिस तरह से कहा कि आज के गुजरात सरकार के सारे नियमों का पालन करते हुए, ज़्यादा भीड़ न करते हुए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का ध्यान रखते हुए इस तरह से रक्तदान को हमने करना है, ताकि दान देने वाले सज्जन को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो सारी बातों को सारे नियमों का पालन करते हुए आज ये दाहोद जोन की गोधरा ब्रांच के सभी सेवा दल के सदस्य और संत महात्मा सदगुरु के आदेश अनुसार रक्तदान शिविर कर रहे हैं। ये रक्तदान शिविर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आदेश अनुसार सन 1986 से शुरू हुआ, तब से लेकर के आज तक 34 साल के अंदर 6,300 से ऊपर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और उसके अंदर 11,00,000 से ऊपर यूनिटों का रक्तदान मानवता को जिंदा रखने के लिए संसार को सौंपित किया गया। तो ये सब कार्य आज संत निरंकारी मिशन, संत निरंकारी मंडल, जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश अनुसार ये सभी संत महात्मा कर रहे हैं। यही अरदास, यही प्रार्थना है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन चरणों में कि आपके आशीर्वाद से जितनी भी सेवा करते हैं ये सभी सुखी रहे और ये रक्त जहाँ पर भी जाए वो इंसान को भी जीवनदान भी मिले और इंसानियत जिंदा रहे, संसार के अंदर मानवता कायम रहे। ऐसी अरदास, ऐसी प्रार्थना है सदगुरु माता जी सबकी सेवा प्रवान करें। प्यार से कहना धन्यवाद। दास का नाम भूपेंद्र गडरिया, जोनल इंचार्ज झोन दाहोद।